नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुलर बाजार में 16 अक्टूबर की रात 80 वर्षीय साधु की एक शराबी ने डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया था, जिसका उपचार शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि घायल 80 वर्षीय रामचंद्र दास साधु के वेश में रहते थे। किसी बात को लेकर उनकी मृत्युंजय उपाध्याय से बहस हुई थी। मृत्युंजय ने डंडे से प्रहार कर साधु को घायल कर दिया था, जिसके उपचार के दौरान आज मृत हो गई है। आरोपी पहले से ही जेल में है और पुलिस अग्रिम आवश्यक कार्रवाई कर रही है। आइए सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। थाना मुबारकपुर क्षेत्र के गुलाऊ बाजार में 16/17 की रात्रि में एक 80 वर्षीय व्यक्ति श्री रामचंद्र दास, जो कि दाढ़ी वगैरह बढ़ाए हुए थे और साधु के वेश में रहते थे, उनके एक उसी जगह के रहने वाले एक शराब व्यक्ति द्वारा कहासुनी में डंडा मार दिया गया था। उनके सिर में चोट आई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि धारा 452-308 IPC के अंतर्गत था। अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया था। अभियुक्त जेल में है। आज इलाज के दौरान श्री रामचंद्र दास की मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।